जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की शुक्रवार को तबीयत अचानक बिगड़ गई। आपको बता दें कि उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें अभी आईसीयू में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद राजद नेता को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बिहार उपचुनाव के बाद सेहत संबंधी कारणों से लालू यादव पटना से दिल्ली लौट आए थे, लेकिन कुछ दिनों पूर्व ही वो चारा घोटाला केस में अदालत में हाजिर होने के लिए पटना गए थे। 23 नवंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में प्रवेश होने का आदेश दिया था और इसी को लेकर लालू यादव दिल्ली से पटना गए हुए थे। बता दें कि बिहार उपचुनाव से पहले 24 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव तकरीबन 3 साल के अंतराल के बाद पटना पहुंचे थे। वकील सुधीर कुमार सिन्हा ने बताया कि सीबीआई को विशेष अदालत ने निर्देश दिया है कि अगर आपके पास कोई गवाह है तो 30 तारीख को पेश कीजिए। हालांकि यह निर्देश नहीं दिया गया है कि लालू को पेश होना है। अगली सुनवाई 30 नवंबर को होनी है। वहीं चारा घोटाले के जिस मामले में लालू यादव की पेशी हुई थी वह भागलपुर और बांका कोषागार से 75 लाख रुपए की अवैध निकासी का है। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी है और इसी वजह से उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, आईसीयू में एडमिट किया गया है और अभी उनके हेल्थ को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बस यही बताया गया है कि वो अभी आईसीयू में एडमिट हैं। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से। सर्वी की रिपोर्ट।